पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से उत्तर भारत कांप रहा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक लुढ़क गया है। वहीं पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में शीतलहर का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर भारत पर कोल्ड अटैक, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से उत्तर भारत कांप रहा है। मैदानी इलाकों में कई जगह पारा माइनस के नीचे गिर चुका है। राजधानी दिल्ली में शीतलहर कहर बरपा रही है। दिल्ली में सर्दी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। दिल्ली में अंधाधुंध आपातकाल, सर्द हवाओं की वजह से दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। राजधानी के इतिहास में 21 सालों में सबसे सर्द इस बार की लोहड़ी रही। इससे पहले साल 2000 के बाद से अभी तक 13 जनवरी की तारीख का ये सबसे कम न्यूनतम तापमान था। साल 2001 में 3.3 डिग्री सेल्सियस और साल 2006 में 3.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ था। बुधवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 कम यानी 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 1 कम यानी 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 14 जनवरी को दिल्ली में तापमान सुबह 2 डिग्री सेल्सियस रहा। आज सुबह दिल्ली को सिर्फ ठंड का ही दंड नहीं मिला बल्कि कोहरे ने भी कहर बरपाया। इस सीजन में आज सबसे ज्यादा कोहरा देखने को मिला। दिल्ली में कुछ इलाकों में विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रही। मौसम विभाग के मुताबिक इस पूरे हफ्ते तक दिल्ली वासियों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। न्यूनतम तापमान के साथ दिन के तापमान में भी कमी दर्ज की जाएगी। इस वजह से दोपहर में भी सर्दी का एहसास आपको होगा। दिल्ली से श्रीनगर तक जिंदगी जमी, पहाड़ों में भारी बर्फबारी से जिंदगी जम गई है। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बुधवार की रात तापमान -8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो पिछले 20 साल में सबसे कम रहा। अब आपको श्रीनगर एयरपोर्ट की एक तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपको वहां पड़ रही ठंड का अंदाजा हो जाएगा। बर्फबारी की वजह से रनवे पर भी बर्फ जम गई है। नजारा देखने में तो बेहद खूबसूरत लग रहा है लेकिन इस कई इंच मोटी बर्फ ने लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर दी हैं। श्रीनगर में भी ठंड और बर्फबारी से हालात खराब हैं। ठंड इस कदर पड़ रही है कि जिंदगी जम गई है। डल झील में पानी जम चुका है। झील के किनारे बर्फ की मोटी परत बन गई है। देश में सफेद आपातकाल का रेड अलर्ट। देश का उत्तरी और पूर्वी हिस्सा भीषण सर्दी से कांप रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी बिहार समेत कई राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। श्रीनगर से खालिद हुसैन और दिल्ली से वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।